Hello students, today we study about what is multiples. Class, हमारे previous videos में आपने देखा था, हम लोगों ने एक नया topic start किया था, factors and multiples. तो factors और multiples को separate समझने के लिए मैंने different parts, different segments में आपको अलग अलग video provide कराए थे, जिसमें से आज हमारा third part है, जिसमें हम लोगों ने factors को तो बहुत details से और उसके facts समझ लिए थे. अब हम बात करते हैं multiples की, what is multiples. तो मल्टीपल की डेफिनेशन या मीनिंग ये दी हुई है, मल्टीपल्स आर वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर, ठीक है, नॉट अ फ्रैक्शन. यानी मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल्स वो नंबर्स, यानी किसी भी नंबर के अगर हम मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स से, ठीक है, जीरो से किया, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आप जानते हो, इंटीजर्स आर दोस नंबर व्हिच कैन बी शो इन नंबर लाइन, पर वो इंटीजर्स आपके एग्जैक्ट फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए. तो किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, तो जो हमें उससे प्रोवाइड होता है, जो नंबर हमें मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल्स. तो वी गेट अ वन एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 12. यहां पर हम लोग 12 से मल्टीपल फाइंड करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई किया 12 जीरो जा, आपका यहां पर 12 जीरो जा क्या हो गया, जीरो, ठीक है, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36. तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट नंबर फाइंड किए, तो ये सब क्या है, जो नहीं आप 10 तक करें, आप इसको कंटिन्यूअस आगे तक करते रहेंगे, ये सारे आपके क्या है, मल्टीपल्स. तो एक सिंपल वे में अगर हम कहें कि हमें किसी भी नंबर का मल्टीपल चाहिए, तो हम उस नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर हमें प्रोवाइड होता रहेगा मल्टीप्लाई से, जो हमारा आंसर आता रहेगा, दैट ऑल इज मल्टीपल्स. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज मल्टीपल्स. सिंपल सी लैंग्वेज में आप केवल मल्टीप्लाई करिए, उसकी टेबल पढ़िए, जो आंसर जो आ रहा है जिस भी नंबर्स के, वही आपके क्या कराएंगे, मल्टीपल्स. थैंक यू क्लास.